हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मेरे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4 था और आज का दिन काफ़ी अच्छा गया मेरा। आज मेरा PNL पूरा का पूरा ग्रीन में है, तो मैं सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन में जाके दिखाता हूँ। और गाइस, सबसे बड़ी बात, आज मैंने लाइव ट्रेड लिया है। मतलब एक बार मैं फर्स्ट ट्रेड जो भी लिया ना, वो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन करके लिया था, वो मैं सबसे पहले दिखाऊंगा। और उसके बाद जो बड़ा प्रॉफिट हाथ लगा है, उसके बाद मैं आपको उसके नेक्स्ट स्टेप में दिखाऊंगा। मतलब पहले मैं आपको लाइव जो ट्रेड लिया हुआ ना, वो दिखाऊंगा जो पहले लिया। सेकंड, मैं उसके बाद जो बड़ा ट्रेड हाथ लगा है, जो बड़ा प्रॉफिट मिला, वो दिखाऊंगा। और उस टाइम पे मैं भूल गया गाइस, सच बता रहा हूँ, रिकॉर्ड करना भूल गया। तो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में ले जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर चलो रिकॉर्ड को स्टार्ट कर दिया। ये देख लो गाइस, यहाँ पर देख लो, ये ट्रेड मैंने जब लिया था ना, तो यहाँ पर देखो मैंने एक लॉट बाय किया। ये देखो प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पर लेते ही यहाँ पर प्रॉफिट में आ गया। तो यहाँ पर देखो ट्रेड शो चल रहा है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो गाइस वेट करते हैं, देखते हैं ये ट्रेड हमको कितना प्रॉफिट देते हैं। हम वेट करते हैं इस ट्रेड पर और वेट करते रहेंगे जब तक अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं ले लेते यहाँ से। तो देखते हैं कितना तक बढ़ते हैं इस ट्रेड में। 200 पार तो हो चुका है, देखते हैं 300 पार भी क्या होगा, कितना तक प्रॉफिट मिल सकता है देखते हैं। यहाँ पर अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम निकल जाएंगे, अगर ट्रेड नहीं चलेगा ना तो निकल जाएंगे। वेट करते हैं, देखते हैं। और गाइस यहाँ पर देख लो, मैं 53.45 रुपीज़ पे बाय किया हुआ, अभी 63 चल रहा है, मतलब 10 पॉइंट का प्रॉफिट दिखा रहा है। ये देखो 250 हो गया है। अभी और थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं कितना तक प्रॉफिट ले जाते हैं हमें। अरे ये तो कम हो रहा है, तो भाई निकल लेते हैं। तो इस ट्रेड को हमने एग्जीक्यूट कर दिया गाइस, मतलब एग्जिट कर दिया। तो यहाँ से मुझे कितना लेके निकलना पड़ा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ 135 देख रहे हो गाइस, 135 लेके फर्स्ट ट्रेड से मैं एग्जिट हुआ हूँ। अब उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे सेकेंड ट्रेड कहाँ पे मिला। यहाँ पर आप देख लो, मैं जो मेरा लैपटॉप है इसका फोटो खींच के रखा हूँ। यहाँ पर आप देख लो, ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है। मैं आपको यहाँ पर एकदम सब कुछ क्लियर दिखाने वाला हूँ। ये मेरा 5 मिनट का चार्ट है, ये देख लो 5 मिनट का चार्ट ऊपर देखो। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला 1 मिनट का मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट है। और उसके बाद यहाँ पर देखो मेरा 1 मिनट का चार्ट है, और ये भी निफ्टी का ही है। तीनों चार्ट मैं खोल के रखता हूँ। और यहाँ पर देखो गाइस, ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं होता है अगर आपका साइकोलॉजी सही हो। जी हाँ गाइस, देख रहे हो 3-4 दिन से कंटिन्यू अच्छा अच्छा प्रॉफिट में चल रहा हूँ, क्योंकि साइकोलॉजी बढ़िया काम कर रहा है, बढ़िया से चलता है। और यहाँ पर देखो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन हमने खींचा, एक ट्रेंड लाइन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके नीचे आता है ना, तो मार्केट बहुत नीचे गिरेगा। और ऐसा हुआ भी गाइस, देखो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही मार्केट नीचे गिर गया। और ये देखो मार्केट नीचे गिर गया, तो मेरा जो स्ट्राइक प्राइस है मेरा, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया गाइस, मैं उस टाइम पे ना फिन निफ्टी को देख रहा था। और गाइस मेरे को लग रहा था कि फिन निफ्टी में ना वहाँ पे एक मूव मिल सकता है, और सोचते सोचते वो वाला मूव दे दिया डाउन साइड का, और मैं तुरंत वहाँ से निकल गया कि ये मूव मैं तो कैप्चर नहीं कर पाया। मैं लेते लेते ट्रेड लेते लेते वहाँ से निकल गया कि ये तो मूव दे चुका है, अब इसके नीचे मूव देगा या नहीं पता, तो मैं निकल जाता हूँ। मैं चलता हूँ निफ्टी में, और निफ्टी में जब मैं आया निफ्टी 50 यहाँ तक, ये भी तब तक मूव दे चुका था, लेकिन हमने भी कैप्चर किया। हमने 65 में बाय किया था और करीब 81 या 82 में कुछ सेल किया, लेकिन वहाँ पे मैंने 2 लॉट का ट्रेड लिया था, तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट बुक करने को मिला। तो यहाँ पर देख रहे हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर इसके करीब मैं ट्रेड को लिया और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। जैसे ही कैंडल बैक आना शुरू हो गया ना, 81 के करीब मैंने एग्जिट किया। जैसे ही कैंडल पीछे आना शुरू किया, रिवर्स होना शुरू किया, तो वैसे ही हमने ट्रेड को कट कर दिया। तो मैं आपको ओवरऑल सब कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ मेरे एप्लीकेशन के अंदर। और मेरा फेवरेट एप्लीकेशन, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, डीमैट अकाउंट क्रिएट नहीं किया हो, तो
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऑर्डर्स में चलते हैं तो यहाँ पर देखो, ये जो वो ट्रेड था ना 185 वाला जो आप देख रहे थे, उसी स्ट्राइक प्राइस पे मैंने दोबारा से लिया था एक बार, फिर उसमें 284 का मेरे को प्रॉफिट मिला। वहाँ पे देखो दो लॉट हो गया, पहले जो एक लॉट का मैं आपको लाइव दिखा रहा था, ये दो लॉट फिर दोबारा से उसमें बाई किया था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर एक और लॉट लिया था, ये लास्ट में लिया था, ये लगभग 1:30-2 बजे के करीब लिया था। ये लेने का मन नहीं कर रहा था, ओवरट्रेड हो जाता ये अगर लॉस में कर देता मेरे को, तो अच्छा हुआ कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। और यहाँ पर ये देखो दो लॉट का मैंने वो स्ट्राइक 65 पे, ये देखो बाय प्राइस 65 है, मैंने दो लॉट का ट्रेड लिया था। ये मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, ये देखो दो लॉट का 65 रुपीस में लिया था और 81 में सेल किया और 791 रुपये का प्रॉफिट मिला। और टोटल ओवरऑल आज का मेरा प्रॉफिट 1121 रुपये है। मैं आपको इधर भी आके दिखा देता हूँ, ये देखो 1121 रुपये मेरा आज का टोटल प्रॉफिट है, मेरा आज का टोटल PNL है 1121 रुपये। तो गाइस एक लॉट के पैसे से 3 दिन कंटिन्यू प्रॉफिट में चल रहा हूँ और रोज़ 1000 के करीब प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है मेरा ट्रेडिंग जानी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मेरे लिंक के थ्रू अगर आप डीमैट अकाउंट क्रिएट करते हैं तो ट्रेडिंग जर्नी में आपको हमेशा मेरे व्हाट्सअप नंबर खुला रहेगा, आप कुछ भी आप हमसे पूछ सकते हो, आप कुछ भी आप जान सकते हो, सारा हेल्प आपको करूंगा। और गाइस कुछ दिन के बाद मैं लाइव भी आना स्टार्ट कर दूंगा और मैं लाइव ट्रेडिंग करूंगा, लाइव मार्केट में आपको साथ लेकर लाइव में मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ कुछ दिन के बाद। तो वहाँ पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और रोज़ मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकल सकते हो मार्केट से। तो गाइस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट तक देखा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।